हेलो रश्मि है? रश्मि जी नहीं है, वो अस्पताल में है। कौन से हॉस्पिटल में? बेश्वर अस्पताल में। आप कौन बोल रहे हैं? मैं शेखर बोल रहा हूँ। हेलो हेलो शेखर, शेखर कौन? हेलो हेलो, किसका फोन है? हेलो हेलो, किसका फोन था ये? शेखर करके कोई था। क्या पूछ रहा था वो? रश्मि बाबे के बारे में पूछ रहा था। और तुमने क्या बताया? मैंने बताया कि अस्पताल में है। अस्पताल का नाम बताया? हाँ, बेशर अस्पताल। स्टूपिड। रश्मि, शेखर चले जाओ यहां से। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे तुम्हारी सूरत भी नहीं देखनी है। रश्मि मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने तुम्हें कहा था ना बार बार कि तुम मेरे पास मत आओ, तुम मानते क्यों नहीं हो? क्यों तुम इतनी बेशर्मी पर उतर आए हो? तुम बार बार मेरी दुनिया में आग लगा रहे हो। शेखर मेरी दुनिया जल चुकी है, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। मैंने अपने हस्बैंड का विश्वास खो दिया। I lost my child, all because of you. तुम्हारी आवाज मेरे कानों में जहर घोल देती है। तुम चले जाओ यहाँ से शेखर। मैंने तुम्हें कभी नहीं चाहा। I've always hated you. You go, please leave me alone. You go, otherwise I'll call someone. मैं जाता हूँ। और तुम्हें जरा सी भी शर्म है ना, तो अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना कभी। मैं तुमसे जिंदगी भर नफरत करूंगी। तुम जाओ, get out, get out. रश्मि, शेखर आया थे यहाँ? कम ऑन, बोलती क्यों नहीं? मैंने उसे बाहर जाते देखा है। हाँ, आया था। चला गया बच्चे की मौत का मातम मनाकर। पहुंच गया तुम्हारे आंसू। और तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं? मुझे तो तुम पर तरस भी नहीं आता। नफरत हो रही है मुझे तुम्हारी सूरत से। गिर गई हो तुम कि तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया और तुम्हें होश ही नहीं है। तुम क्या समझती हो, इतना सब हो जाने के बाद मैं तुमको एक्सेप्ट करूंगा? कम ऑन, स्पीक अप। राज, आई डोंट नो राज, मेरा नसीब मुझसे धोखा कर रहा है। जो नहीं है वो दिखा रहा है। मैं अंधा नहीं हूँ रश्मि, मुझे सब दिखाई दे रहा है। अगर तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो वो यहाँ क्यों आता है बार बार? ये एक शहर के दो मोहल्ले नहीं है। बंबई से न्यूयॉर्क की दूरी 10,000 मील है। जिगर चाहिए इतनी दूर आने के लिए।
उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई खास जगह होगी, तभी वो आता है यहाँ। मुझे नहीं मालूम। वो यहाँ न्यूयॉर्क में कहाँ रहता है? I really don't know, Raj. तुम्हें पता नहीं? ये बताना नहीं चाहती? तुम्हारी खामोशी भी एक जवाब है, और मैं भी अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री हूँ। How are you doing? Missing you. When are you coming back from Chicago? I'm back. Won't you get together? Sure. Where do you want to meet? Same place. Okay. I can meet you there in 30 minutes. Okay. See you. Bye. कहाँ जा रहे? किसी दोस्त ने बुलाया। मुझे मालूम है तुम किससे मिलने जा रहे हो। जा आजकल तुम बहुत जिद्दी होते जा रहे हो। मैं तुम्हें एमी से दूर करना चाहता हूं और तुम उसके पीछे पीछे। Dad, please. एमी के लिए आप एक गलत अल्फाज नहीं बोलेंगे। I love her. Oh, shut up. मैं जानता हूं तुम उसे कितना प्यार करते हो। एक महीना पहले उस बीमार लड़की के पीछे अपनी जान देने जा रहे थे, और अब एमी के पीछे। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? एमी को मैंने ही तुम्हारे पीछे लगाया था नंदी से बचाने के लिए। डैड, एमी ने मेरी खातिर अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी। शी वॉज हार्ड फॉर दैट। उसको उसकी कीमत दी जाएगी। आप हर चीज की कीमत क्यों लगाते हैं? कल अगर कोई मेरी कीमत लगा दे तो क्या आप मुझे भी बेच डालेंगे? तुम्हारी कीमत तो लग चुकी है जाए। I have got a great offer. मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम एमी से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दो। यार, आप मुझे बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हैं? I love एमी. बगैर प्यार के जीना सीखो। जीने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत होती है, और उसे लेके आओ जिसके पास पैसा है। पैसे के साथ जियो। एमी क्या लाएगी? उसकी नजर तो तुम्हारी दौलत पर है जो तुम्हें मुझसे मिलने वाली है। जाए, मैं तुम्हें ऐसी जगह पर देखना चाहता हूं जहां पर जमीन नहीं होती, वहां पर रहने वाले लोग आसमान की बातें करते हैं। Forget it, Dad. I've made up my mind. मैं एमी के पास जा रहा हूं। खाएगी तो तूने मेरे यहाँ आके खुशियाँ भी खरीदी हैं। तुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है ना, आज मैं वही बना के तुम्हें खिलाऊंगी। नहीं आंटी, थैंक यू। आजकल मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लगता, सब कुछ सुना सुना लगता है। मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी देर बैठकर बात करूंगी तो मन हल्का हो जाएगा। माँ की याद आ रही है क्या? नहीं आंटी, मुझे मालूम नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया है। पहले जो मैं इतना हंसाती थी, बातें करती थी, लोगों को छेड़ती थी, पता नहीं सब खाली हो गया है। मैं तेरे दिल के खालीपन को समझ सकती हूँ बेटी। हम औरतों के तो यही नसीब है, हम जहाँ की होती हैं वहाँ कहाँ बन पाती है ये मन किसी दूसरे से बन जाते हैं। मैं भी तो तेरी तरह हूँ, जहाँ बंदी जिस पिंजरे में रही, पिंजरे से प्यार हो गया, और फिर एक दिन वो पिंजरा खोल दिया गया, कह दिया गया जा अब तू आजाद है, चल छोड़। मैं कहाँ अपना किस्सा छेड़ बैठी? नहीं आंटी, मैं यहाँ बात करने ही तो आई थी। अच्छा तू ये बता, तू जब इंद्र को पापा कहती है तो मुझे आंटी क्यों कहती है? मैं भी तो तेरी माँ हुई ना। आंटी, मैं आपको माँ जरूर बुलाऊंगी, मगर मेरी एक शर्त है। अरे तेरी माँ बनने के लिए तो मुझे हर शर्त मंजूर है। तो फिर आप वापस उसी पिंजरे में लौट आइए, इंदर पापा के पास। लेकिन ये कैसे हो सकता है, हमारा तो डिवोर्स हो चुका है। आंटी, डिवोर्स तो लीगल टर्म है,
पर आपके पल के आप भी भीग जाते हैं पापा के नाम लेते ही। और फिर अगर एलिजाबेथ टेलर और रिचर्ड बर्टन दोबारा शादी कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं? मेरे हाथ में कहाँ, ये तो इंदर के हाथ में है। आंटी मैं हाथ बात कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि आप दोनों को एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहिए, वरना बात वही रह जाएगी ना कि हमसे आया न गया और हमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, मेरे कदम तो हमेशा इंदर की तरह बढ़े हैं, लेकिन इंदर ने कभी। आंटी अब दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया था कि अब साथ ना रह सके? कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सारी दुनिया में अपना प्यार लुटाते हैं, लेकिन उनसे प्यार के दो बोल भी नहीं कहते जिन्हें प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इंदर भी ऐसा ही चिराग है जिसने अपने चारों तरफ मोहब्बत की रोशनी फैला दी है, और मैं उस चिराग के साए में बैठी अंधेरे में खो गई। आंटी आंटी शेखर भी तो मेरे साथ ऐसे ही कर रहा है ना? शायद इसीलिए बेटा मैं तुझे ये दुआ भी नहीं दे सकती कि शेखर तुझे मिल जाए। आप क्या कह रही हैं आंटी? शेखर तेरा नसीब नहीं, बदनसीब है वो, चला गया वो न्यूयॉर्क तुम्हें छोड़कर। अंजलि रुको, अंजलि शेखर तू कभी खुश नहीं रह सकता। जय, while I was in Chicago, I have been thinking a lot. I want to talk to you. Okay, what would you like to have? Anything, whatever you like. Why don't you sit here? Okay. And so? Well, so you wanted to talk to me about something? You know, we have to start thinking about our future. Our future. I've got a job in Chicago. Chicago? What are you going to do in Chicago? No, Jay. It's my career. My dream. Am I not part of your dreams? Yeah. Well, come with me to Chicago. Away from your father? He scares me. Yeah, you're right. He doesn't like me hanging around with you, you know. He's planning to get me married to some other girl, an Indian. You are not going to go through with it, are you? Of course not. You know I love you, don't you? Then come with me. Your father will never find us there. I'll have to think about it. Over between us. You're damn well right, it's over between us. I have come here for the final settlement. I want Amy to stop chasing Jay. This is made out to Cash. Take the money and leave the city. And I don't want my son to know about this. What if I say no? Then I have to take some other measures. Are you threatening me? I had hired Amy for a particular reason. The job is done. She is fired. Amy loves Jay. She didn't do it for the money. Stop playing games, Mercy. You know very well that I don't approve of both of them. You know, if you go against my wishes, you will face very drastic consequences. Victor, if you're out to play this game with me, don't think that I'm unarmed. Remember, I told you before, if I open my mouth about your business... Mercy! Then you will be silenced forever. वैसे बर्फीदार, तुम्हें देख के जाने बार बार मन करता है कि एक रोमांटिक फिल्म बना डालो।
You know, what is your biggest asset? It is your smile. तुम्हारी मुस्कुराहट. ये तो लाखों लड़कियों को दीवाना बना देगी. अंकल, अंजलि अब तक नहीं आई. मैं तुम्हारा इशारा समझ गया बेटे, समझ गया तुम्हारा इशारा. यहाँ तुम्हारी मुस्कुराहट से एक लड़की दीवानी नहीं होती, और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ. प्यार में ऐसा होता है बेटे, प्यार के रंग भी निराले होते हैं. श्याम जी हो आ गया. अरे नमस्ते श्याम जी, आप कब आया? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. तुम अकेले क्यों आ गए? अंजू कहाँ है? छोटा मेम साहब जी बहुत लौफरा करता है साहब जी, हम नहीं जाएगा उसके साथ. मैं जाने की नहीं कह रहा हूँ, आने की कह रहा हूँ. अंजू तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? वो तो उधरी मेम साहब के पास रह गया. चलो ठीक है, तुम महेंद्र बाबू के लिए चाय बना के ले आओ. साहब जी के लिए चाय? ए, इनकी सेवा कर, हीरो बनेगा तो तुम्हें अपना स्पॉट बॉय बना लेगा. हाँ, अदरक कूट कूट के डालेगा. पिंजरा भी लेके आऊं? जा, चाय बना के ले आओ. एक्सक्यूज मी महेंद्र. हेलो, अंजलि को फोन दो. वो तो चली गई. अच्छा, शेखर के साथ गई? तुम खामोश क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? इंदर, शेखर हमेशा के लिए न्यूयॉर्क चला गया. मैं ये अंजलि को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बात शेखर पर ही आकर रुक गई. तुमने उसे जाने क्यों दिया? बेवकूफ हो गई हो. अगर तुम्हें इस बात का एहसास है कि उसका दिल टूट गया, तो मुझे बुलाया होता, मुझे फोन किया होता, मैं लेने के लिए आता. ऐसी हालत में अगर वो संभाली नहीं गई तो वो कुछ भी कर सकती है. अरे अरे वंदना, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा. तुम्हें तो मालूम है वो दीवानी है, दीवानी. अगर उसने ऐसे भी कुछ किया तो मैं क्या जवाब दूं, अपनी जमीर को क्या जवाब दूं मैं? खैर, ओह माय गॉड, कहां गई होगी वो? प्रेम, प्रेम जी साहब, श्याम जी का बच्चा. महेंद्र बेटे, तुम्हारे पास गाड़ी है जी, तुम मंजू को ढूंढ कर लाओ. प्लीज प्लीज, तुम जाओ. तू मेरा मुख क्या देख रहा है? मैंने तुझे अंजू का साया बना के भेजा था, तो उसे छोड़ क्यों आ रहा? क्यों आ रहा तुझे छोड़? अगर उससे कुछ हुआ ना, उसने कुछ कर लिया, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें. मैं तुम्हारा जीना हराम करूंगा. कम बात की औलाद, अगर उसने कुछ कर लिया ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा. पापा, शेखर मुझे छोड़ के चला गया, न्यूयॉर्क चला गया पापा. हाँ बेटे, मुझे तुम्हारे दिल के तूफान का आनंद है. ना रो,